नवी मुंबई नेटवर्क। एपीएमसी बाजार में शराब न पीने के चलते एक व्यक्ति की हत्या करने के मामले पर से नवी मुंबई पुलिस ने पर्दाफाश किया है। बता दें कि शराब न पीने के चलते एपीएमसी मार्केट में एक व्यक्ति की हत्या कर फरार होने वाले एक आरोपी को एपीएमसी पुलिस ने गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। नवी मुंबई जोन 1 के पुलिस उपायुक्त विवेक पानसरी ने आज एक पत्रकार परिषद में इस बात का खुलासा किया कि 14 अगस्त को उन्हें सूचना मिली थी कि एपीएमसी के सब्जी बाजार में एक व्यक्ति की किसी ने निर्मम हत्या कर दी है। पोस्टमार्टम में इस बात का खुलासा हुआ कि व्यक्ति के सर पर चोट लगने से ये हत्या हुई, जिसके बाद हरकत में आते हुए एपीएमसी पुलिस ने एक टीम का गठन किया और टेक्निकल एविडेंस और जांच के आधार पर उन्हें पता किया कि मृतक व्यक्ति अपने एक दोस्त के साथ रहता था और वह बाबा जय गुरुदेव का अनुयायी भी था, जबकि कमरे में रहने वाला दूसरा व्यक्ति शराब पीता था और इसी कारणवश इन दोनों की हमेशा झड़प हुआ करती थी। विवेक पानसरे ने आगे बताया कि हमेशा की तरह मृतक ने शराब पीने से मना किया, तब गुस्से में आकर उसके दोस्त ने जमीन पर पड़ी टाइल्स उठाकर उसके सर पे मार दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को उत्तर प्रदेश के गोंडा जाकर गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को 24 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेजा है। दिनांक 14 अगस्त को एपीएमसी में बाजी मार्केट में एक बाबा उर्फ गुरुदेव नामक ईसम की मृत्यु हुई थी। शुरू में उसको देखे जाए तो उसके बाल और दाढ़ी के बाल और सर के बाल बहुत बुढ़े हुए थे और वहाँ पे कुछ भी जख्म दिख नहीं रही थी, सिर्फ उसके कान से खून आया था। तो शुरू में ये क्या प्रकार है इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं थी, देखने वाला भी कोई नहीं था और आजू बाजू के लोग हैं उनको भी पता नहीं था। हमारे सीनियर पी आई श्री नालावड़े, वसीम शेख और ई पी आई शेवाड़े, ये तीनों ने बहुत मेहनत करके बाद में इससे कुछ और तपास करके ऐसी माहिती निकाली कि किसी ने उसकी हत्या की है। उसके बाद आजू बाजू के लोगों को पूछताछ करके और थोड़ा टेक्निकल डाटा का एनालिसिस करते हुए हमारी एक टीम ई पी आई शेवाड़े के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश गोंडा जिले में गई। वहाँ से हमने एक आरोपी अरेस्ट किया है और आरोपी की पूछताछ करते हुए उसने आरोप गुने की कबूली दी है। उसने ऐसा एडमिट किया है कि ये जो गुरुदेव उर्फ बाबा था वो उसको दारू न पीने की सलाह देता था और दारू पीने के बाद उसको बार बार टोकता था। उसी गुस्से में अरुण कुमार राजभूषण भारती, ये आरोपी ने जो मयत है गुरुदेव उर्फ बाबा उसका पेवर ब्लॉक उसने सर में मार के हत्या की है। इसके जो आरोपी है आरोपी के न्यायालय में पेश किया है, उसके बाद उसको 24 अगस्त तक की न्यायालय पुलिस कस्टडी मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।